हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिद्धि रसोई से। आज हम बनाएंगे होममेड गरम मसाला, तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ तैयारी कर ली है, जैसे कि मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं, मार्केट से बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले ले लिए हैं, बड़ी इलायची वगैरह है, चक्रफूल वगैरह है, और ये सब शाही जीरा और काली मिर्च, सौंठ वगैरह, मतलब ड्राई जिंजर जो होता है, और बे लीव्स वगैरह सब ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च की मात्रा सबसे ज़्यादा रखी है, क्योंकि काली मिर्च अगर मसाले में ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए काली मिर्च को सबसे ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है गैस पर, उसको मैंने प्री हीट कर लिया था, गैस को मैंने बिल्कुल मीडियम क्या मतलब स्लो कर रखा है। और मैं इसमें काली मिर्च और लौंग, मैंने इसमें 100 ग्राम लौंग काली मिर्च और 25 ग्राम के करीब लौंग को रखा हुआ है, और इसमें मैंने दालचीनी डाल दी है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि मसालों को रोस्ट कर रहे हैं। एक कच्चे मसाले का अपन गर्म मसाला बनाते हैं और एक बनाते हैं अपन रोस्ट करके, तो दोनों का बहुत ही अलग सा टेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने सौंठ डाल दी है और ये शाही जीरा जो है वो डाल दिया है इसमें गर्म मसाले के अंदर। आप इस मसाले को डालने के बाद में सब्ज़ी में कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बे लीव्स जो है मैं उनको भी डाले दे रही हूँ। एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं बड़ी इलायची, और एक आधा डालेंगे इसमें हम जायफल, क्योंकि जायफल ज़्यादा अच्छा लगता, तो हम इसको तोड़ लेंगे थोड़ा सा और उसमें से आधा हम इसमें डाल देंगे। इतना टेस्टी और एकदम सब्ज़ी को बना देता है ये गरम मसाला अपना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब भी कभी आप कोई नॉर्मल सब्ज़ी बना दें हींग वगैरह से, तो उसमें अगर आपने डाल दिया, और ये मैंने चक्रफूल को तोड़ के और डाल दिया इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे हींगेर की सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर हम इस चुट्टी भर के इसमें से डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा आएगा। और ये यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ, बहुत ही मतलब बिल्कुल कढ़ाई गर्म थी, और मैंने अब मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर गैस को रखा हुआ है, और थोड़ी देर बाद हम इसको बंद ही कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे तो जल जाएगा, तो जलने वाले गरम मसाले का बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़े देर हम फ्राई रोस्ट करके इसको हम बंद कर देंगे। तो अभी रोस्ट करते रहेंगे इसको हम ऐसे लो मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कलर का चेंज भी हो रहा है, नीचे जो काली मिर्चें हैं वो चटक रही हैं, इससे इसकी नमी ख़त्म हो जाती है। ये सालों साल चलता है, अगर आप एक साथ बनाना चाहते हैं ना तो इसका टेस्ट वो कि वही रहता है, इसीलिए हम इसको रोस्ट करके बनाना बेस्ट समझते हैं। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने देखिए गैस को बंद कर दिया है। अब गैस को बंद करते ही अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने गरम गरम पीस दिया तो ये लौंग जो है, काली मिर्च हैं, जो अपना ऑयल रिजर्व कर देंगी, तो जो ऑयल रिजर्व होगा तो वो गर्म मसाले के अंदर अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसको ठंडा करके ही पीसेंगे। इसको मैंने थाली में ठंडा करने रख दिया है, ठंडा होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी के अंदर। यहाँ पे जो ड्राई जिंजर के टुकड़े हैं जो थोड़े बड़े हैं और थोड़े हार्ड भी रहते हैं, इनको हम तोड़ लेते हैं जिससे मिक्सी में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कई बार मिक्सी में फंस जाता है ये, तो इसको हम तोड़ के और फिर काम में लेंगे, क्योंकि इसको अगर हमने ऐसे डाल दिया और बाई चांस इसमें फंस जाता है मिक्सी के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, मिक्सी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए हम पहले से ही इसको तोड़ लेंगे। जैसे मैंने जायफल तोड़ लिया है और ये ड्राई जिंजर को भी टुकड़ों में कर लिया है, और अभी काफ़ी ठंडा हो गया है। बड़ी बड़ी दालचीनी के जो टुकड़े हैं उनको भी हम टुकड़ों, बड़े बड़े जो पीस थे उनको टुकड़े में कर लेंगे, और बे लीव्स को भी हम थोड़ा सा चुरमुर कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा है तो नहीं पीस पाएगा। अब आपको सब्ज़ी के अंदर बे लीव्स या अलग से कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूँ जो गर्म मसाला है वो ऑल इन वन हो जाएगा, आपकी हर सब्ज़ी के अंदर काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सब्ज़ी का मसाला सारा तैयार कर लिया है, और अब उसमें मिक्सी के कप में इसको हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है जार के अंदर, और इसको बंद करके हम ग्राइंड कर लेते हैं,
और ये यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं करना है, बहुत ही दरदरा सा इसको रखना है जिससे सब्ज़ी के अंदर देखते ही हमें आए। और यहाँ पे मैं अपने गरम मसाले को डाल रही हूँ कटोरी के अंदर, और इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में कंटेनर में भर के सालों साल यूज में ले सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।